हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन का डोरमेट। और देखिए, इस डोरमेट में मैंने फिश की डिजाइन डाली हुई है। एकदम अलग डिजाइन है, हटके डिजाइन है ये। बहुत ही प्यारा बन के कम्प्लीट हुआ है और इसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं एक स्लिप नॉट बनाऊंगी। तो ऐसे किया, देखिए एक बार ऐसे किया और एक बार इसी में से इस फंदे को हम ऐसे पकड़ लेंगे, इसको खींच देंगे। ये देखिए ऐसे एक स्लिप नॉट बन गई और यहाँ पे हम इसे सिलाई में इस तरह से कर लेंगे। आप देखिए, यहाँ से हम दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाएंगे, इसको बुनेंगे। और देखिए ऐसे, यहाँ से घुमाया, इसको बुन दिया, दो इसे बुना, तीन, चार ऐसे, पांच, और इसको हम इसके साथ में ऐसे कर लेंगे। ऐसे घुमाएंगे और यहाँ पे ऐसे बुनते जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से मुझे बना के कंप्लीट करना है। तो मैं कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कितने फंदे तक मैंने इसको बनाया। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 22 फंदों तक इसको बना लिया है। आप देखिए, हम दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाएंगे। आप अपने हिसाब से इसको बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं छोटा बना रही हूँ। ये देखिए, दो का एक कर दिया। उसके बाद यहाँ से हम पूरी रो लास्ट तक ऐसे ही बुन लेंगे। यहाँ तक बना लिया, अब यहाँ पे भी दो का एक कर देंगे ऐसे। ये देखिए, और इस साइड से कोई फंदा नहीं घटाना, इधर से ऐसे ही बुनते जाना है। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, आप देखिए पलट लेंगे उल्टे तरफ से, फिर से हम यहाँ पे ऐसे दो का एक कर देंगे और इधर भी लास्ट। देखिए यहाँ पे हम एक फंदे तक इसको बनाएंगे, तो ऐसे स्क्वायर पीस बन के कम्प्लीट होगा। फिर मैं आगे का फिर बताती हूँ आपको। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे मैंने एक फंदे तक इसको बना लिया है। अब देखिए, हम यहाँ से इस जगह से फंदे उठाएंगे, तो इसके लिए हम वाइट कलर लगा रहे हैं। यहाँ से देखिए, फर्स्ट जो ये बीच वाली रो है, यहाँ से हम फंदे इसमें ऐसे उठा लेंगे। ये देखिए, एक, दो, तीन, और इस वाली बूल को ऐसे इसमें हम ऐसे दबाते हुए ले जाएंगे ताकि ये खुले नहीं। चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, और लास्ट में यहाँ पे उठाएंगे एक, ये देखिए 15। यहाँ पे मैंने 15 फंदे उठा लिए हैं। अब देखिए, हम इन्हीं फंदों को दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनेंगे
ऐसे ये देखिए। ये देखिए यहाँ तक बना लिया। आप देखिए यहाँ से हम इधर से भी ऐसे उल्टा बनाएंगे इस तरह से। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम उल्टा उल्टा बुनते हुए यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने 8 रो बना के कंप्लीट कर ली, तो यहाँ पे गांठ स्टिच 4 आ गई, 1 2 3 4। अगर आप यहाँ पे ये वाला पार्ट्स बड़ा बना रहे हैं तो आप रो भी ज्यादा कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे हम इन फंदों को बंद कर देंगे ऐसे, दो का एक करते हुए इस तरह से सभी फंदे हम ये वाले बंद करेंगे लास्ट तक। इस तरह से मैं कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने ये वाले फंदे बंद कर दिए। अब देखिए हम यहाँ से फंदे उठाएंगे, तो देखिए यहाँ से इस तरह से ऐसे 1 2 3 4 और इस वाली बूल को हम इसी के साथ में ऐसे करते हुए ले जाएंगे 5। तो हम यहाँ तक उठा लेते हैं फिर मैं दिखाती हूँ आगे का। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये 4 रो फिर से बना ली हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 8 रो बनाई हैं, तो 4 ये गांठ स्टिच इधर आ गई हैं। आप देखिए यहाँ से हम इन फंदों को भी बंद कर देंगे ऐसे, दो का एक करते हुए ऐसे सभी फंदे हम बंद कर देंगे। तो हम इसको बना लेते। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने ये फंदे बंद कर दिए। अब देखिए यहाँ से हम फंदे उठाएंगे और कलर चेंज करेंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरह से ये देखिए यहाँ से 1 2 3 और यहाँ से इस बूल को हम इसी में रखते हुए ऐसे आगे जाएंगे इस तरह से। पूरे में से ऐसे ही फंदे उठाने हैं। ये देखिए यहाँ तक मैंने फंदे उठा लिए और देखिए यहाँ पे जहाँ पे एक आध फंदा मुझे लगेगा वहाँ पे हम उठा लेंगे। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा दूर हो गया तो यहाँ पे एक फंदा वापस में मैं उठाऊंगी आके। और यहाँ से देखिए 1 2 3 4 और देखिए लास्ट यहाँ से 5। ये देखिए ऐसे। अब देखिए इस कलर से भी हमें ये 4 रो बनानी है। 4 रो बनाने के बाद हम इन फंदों को बंद करेंगे फिर इस साइड से फंदे उठाएंगे। तो हम ऐसे ही आगे बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं आगे का। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 4 डिजाइन इसमें मैंने डाल ली हैं। अब देखिए इधर मैंने 3 डाली हैं, तो चौथी डिजाइन जब हम डालेंगे तो यहाँ से फंदे नहीं उठाएंगे, सिर्फ लास्ट वाले में। जितना बड़ा आप बनाएंगे इसी तरीके से बनाएंगे। ये डिजाइन डालने के बाद लास्ट वाली जो रो होगी उसमें आपको यहीं तक फंदे उठाने हैं। तो देखिए यहां से मैं ये देखिए ग्रीन कलर ऐड करूंगी। ये देखो 1 2
दो, और देखिए यहाँ से आप एक एक फंदा कम भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा डीपली गहराई चाहते हैं तो आप यहाँ से फंदा कम करके बना सकते हैं। इस तरह से मैं यहाँ तक फंदे उठा लेती हूँ। ये देखिए यहाँ तक मैंने फंदे उठा लिए, इसमें फंदे नहीं उठाए हैं। अब देखिए यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, और ये चार रो बनाने के बाद मैं आगे का आपको फिर दिखाऊंगी। ऐसे यहाँ पे मैं चार रो बना लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने फंदे यहाँ पे बंद कर दिए चार रो बनाने के बाद। अब देखिए इसकी पूंछ के लिए फंदे उठाएंगे, तो यहाँ से लेके इतने में जितने फंदे उठ जाएंगे वो मैं उठाऊंगी। आपके रो के हिसाब से फंदे उठेंगे, जैसे कि आपने अगर चार की रो बनाई है तो यहाँ पे चार चार फंदे उठेंगे, और रो ज़्यादा करी है तो फिर उस हिसाब से। तो ये यहाँ पे देखिए ये एक पांचवी रो पे हमने ये बंद किया है, दो तीन चार पांच, ये देखिए पांच रो में पांच फंदे, एक फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे ऐसे, और उसके बाद देखिए यहाँ से एक दो तीन चार और देखिए पांच, इस तरह से देखिए यहाँ पे फंदे उठा लिए। अब देखिए हम यहाँ पे दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाते हुए हम इसकी पूंछ बना के कंप्लीट करेंगे। ऐसे यहाँ से पलट लेंगे। अब यहाँ से इसको ऐसे घुमाएंगे और यहाँ से उल्टा बनाएंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से हम दोनों तरफ एक फंदा बढ़ाते हुए इसके हिसाब से मैं यहाँ पे फंदे बढ़ा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे 22 फंदे मैंने कर लिए हैं। आप अपने ये फिस के हिसाब से इसकी पूंछ बना सकते हैं टेल। और यहाँ से देखिए अब हम फंदे बंद करेंगे ऐसे, दो का एक करते हुए सभी फंदे हम बंद कर देंगे ऐसे। आप छोटी बड़ी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसको, तो इस तरह से बना लेते हैं।